असलम आईकुम अजीज़ नाजरीन उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी नाजरीन इससे कबल के वीडियो में हम लोग आपके निसाब में शामिल चैप्टर थ्री इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता के हवाले से जो तफसी सवालत थे उनको देखा है और अब हम लोग इस वीडियो में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और आपके मतन के हवाले से जो अहम अहम मरूजी सवालत हैं हम लोग उनको देखने जा रहे हैं इस वीडियो को आप ज़रूर आखिर तक देखें इस वीडियो में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता कि तमाम जो नज़रियात हैं जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर किए जाएंगे और इसका पी डी एफ इन में भेज दिया जाएगा इस वीडियो में आप देखने वाले हैं मोहम्मद आज़ाद के नाम को उनकी पैदाइश वफात खानदान के हवाले से तालीम तरबियत अदबी खदम अलकाब खिताब और आपके मत के अहम अहम मौजूद सवाल हो जवाब इन तमाम को आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं लिहाजा आप वीडियो के साथ बने रहें और मुमकिन हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ हो सके तो आइए बिला किसी तख़िर के हम लोग आगाज़ करते हैं आज की आज के इस वीडियो का सबसे पहले नाम तो आप जानिए कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का असल नाम क्या था सवाल यही आएगा आपके इम्तिहान में कि महम्मद हुसैन आज़ाद का असल नाम क्या था तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का असल नाम सिर्फ़ मोहम्मद हुसैन था और इसमें जो आज़ाद है वो उनका तख्लु है ये जहन में रहे ये भी सवाल आ सकता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तख्लु क्या था तो आपको जवाब देना है कि सिर्फ़ आज़ाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तख्लु आज़ाद था अभी तखलुस क्या होता है पहले आप इसे समझ जाएँ शायर जब शायरी करता है तो वो अपने पूरे नाम को नहीं लिखता है शायर शेर में वरना वो पता चला वो मिसरा से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नाम अब अगर मान लीजिए मिर्ज़ा उसदुल्ला खां गालिब अगर लिखे तो एक मिसरा उसके नाम से ही मुकम्मल हो जाएगा लिहाजा शायर क्या करता है अपनी सहूलत के हिसाब से कोई छोटा सा नाम जो है जो उसको पसंद होता है वो ले लेता है जैसे, जैसे मिर्जा सदुल्ला खां जो है गालिब तखलुस करते थे उसी तरह से मोहम्मद हुसैन जो है वो आज़ाद तखलुस करते थे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये नाम का ही एक किस्म है जो शायर इस्तेमाल करता है तख्लु तो इनका असल नाम मोहम्मद हुसैन और इनका तख्लु जो है वह है आज़ाद ये आप समझ गए नाम के हवाले से अब देखिए पैदाइश के हवाले से देखते हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब और कहाँ हुई तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश जो है वो 10 जून 1830 ईस्वी को दहली में हुई 10 जून 1830 ईस्वी को दहली में हुई क्लियर उम्मीद है कि समझ गए होंगे 10 जून 1830 ईस्वी को दहली में मोहम्मद हुसैन आज़ाद पैदा हुए और सवाल कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंतकाल कब हुआ तो इनका जो इंतकाल है वो 22 जनवरी 1910 सौ ईस्वी को लाहौर में हुआ कब 22 जनवरी 1910 सौ ईस्वी को लाहौर में हुआ पैदाइश 10 जून 1830 दिल्ली और वफात 22 जनवरी 1910 लाहौर ये अच्छे तरीके से अपने जहन में बैठा लें क्योंकि इम्तिहान में अक्सर पैदाइश और वफात के हवाले से सवाल बनाए जाते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं ख़ानदान के हवाले से मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ख़ानदान के हवाले से तो सवाल ये हो सकता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख़ानदान कहाँ से हिंदुस्तान आया था तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो ख़ानदान है वो ईरान से हिंदुस्तान आया था मोहम्मद हुसैन आज़ाद के जद्द अली ने कुछ किया ईरान से और कश्मीर में आकर के सुकूनत अख्तियार किए कहाँ से ईरान से ये जहन में रहे कि उन लोग उन लोगों का जो आबाई वतन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का वो ईरान है ईरान से उसके जद्द आला जो है उसके ख़ानदान के जो बुजुर्ग शख़्स हैं वो आ गए थे और शाह आलम कश्मीर आ गए थे याद रहे और शाह आलम सानी जो मुग़ल बादशाह हैं उसके ज़माने में कश्मीर से कूच करके वो दहली आ गए इसीलिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश दहली में हुई उसके आवा तो कश्मीर में आके बसे थे लेकिन फिर मोहम्मद शाह आलम सानी के ज़माने में आ, फिर वो लोग आ जाते हैं दिल्ली में और वहीं पे दिल्ली में पैदाइश होती है इनकी तो इनके ख़ानदान जो है ईरान से कूच करके कश्मीर आए थे और फिर कश्मीर से हिजरत करके दिल्ली आ गए थे ये आप अपने जहन में रखें उसके बाद के मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का क्या नाम है तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम मोहम्मद बाकर है एक बात आप ज़रूर अपने जहन में रखें और इसलाह भी कर लें कि इनके वालिद मोहम्मद बाकर को वह से लोग बाकिर पढ़ते हैं जो बहुत गलत है उनका नाम मोहम्मद बाकर है तो आप अपने जहन में रखें बाकर मोहम्मद बाकर इनके वालिद का नाम और इनकी वालिदा का जो नाम है वो अमानी बेगम है आपके निसाब में आपके निसाब के हवाले से जो गाइड आप लोग पढ़ते हैं इब्ने वजूद का उसमें असाफ़ी बेगम लिखा हुआ है जो कि ग़लत है उनकी वालिदा का नाम अमानी बेगम है अलीफ़ मीम अलीफ़ नून या अमानी बेगम यह आप अपने जहन में रखें इसके अलावा इनके चौदह बच्चे हुए थे जिनमें से सिर्फ एक हयात से रह पाए बाकी तेरह की जो है वफात हो गई थी सिर्फ एक याद रहे चौदह बच्चे हुए थे और आखिर उम्र में इनकी जवान बेटी जो है वफात पा गई थी तो इस सदमे से मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी जहनी तोज़ुन खो बैठे थे और पागलों जैसी हरकत करने लगे थे यूँ समझिए कि पागल पने की हालत में ही इनकी मौत हुई थी तो इनकी तमाम ख़ानदान के हवाले से ये बातें आप अपने जहन में रखें कि वालिद जो है उसके ख़ानदान के लोग जो है वहाँ से कूच करके आए थे ईरान से कश्मीर फिर कश्मीर से हिंदुस्तान और वालिद का नाम है बाकर मोहम्मद बाकर वालिदा का नाम अमानी बेगम इसके अलावा मोहम्मद बाकर जो है ये भी सवाल अक्सर आता है कि मोहम्मद बाकर ने किस अखबार को शुरू किया था तो दहली अखबार को जिसके बाद में वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी बनते हैं एडिटर तो दहली अखबार ये जहन में रखें उसके बाद हम लोग देखते हैं तालीम और तरबियत को तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वालिदा जो है जब मोहम्मद हुसैन आजाद चार साल के थे तभी उनकी वालिदा अमानी बेगम जो है इस दुनिया से कूच कर गई थी लिहाजा वो अपने वालिद से मोहम्मद बाकर से जो है तालीम तरबियत हासिल किए थे घर पर ही इब्तदाई तालीम उनके घर पर हुई और उसके बाद वो लोग वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है वो दहली कॉलेज में दाखिला लेते हैं और दहली कॉलेज में ही जो है अली तालीम तक पढ़ाई करते हैं दहली कॉलेज में एक और सवाल ये जान लें कि अच्छा ये सवाल तो होगा ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इतदाई तलीम कहाँ से हासिल की तो घर से और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बाबा या आला तालीम कहाँ से हासिल की तो दहली कॉलेज से उसके बाद जानिए कि दहली कॉलेज में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हम मकतब कौन थे यानी कि दोस्त कौन थे तो आप जानते हैं मौलवी डिप्टी नज़़र अहमद को उसके बाद अलताफ़ हुसैन हाली को जानते हैं मौलवी ज़कॉल्ला को हुसैन तहरीक के अलीगढ़ तहरीक के तहत उनको पढ़ेंगे आप प्यारे लाल आशोब हैं तो ये चारों जो है उनके हम मकतब थे अक्सर सवाल आता है कि उनके हम मकतब कौन थे तो डिप्टी नज़़़़ी अहमद और हाली तो कम से कम आप याद रख ही सकते हैं चलिए तो ये उनके हवाले से हाँ अब इनकी अदबी खदमात को देखते हैं तो इनकी अदबी खदमात में जो इनकी सबसे अहम तसनीफ़ है वह है आब हयात आब हयात जो है उर्दू शुरा का तस्करा है ये आप बस अपने जहन में रखें अहम है कि आब हयात क्या है तो वो उर्दो शरा का तस्करा है यानी उर्दू शरा के हवाले से उसमें बात कही गई है आब ख्यात ये इनकी सबसे अहम तस्नीफ़ है उसके बाद नारंग ख्याल जो आपके निसाब में है इशाया जो शामिल है इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता ये इसी नारंग ख्याल में है तो नारंग ख्याल जो है इनकी एक अहम तस्नीफ़ है नारंग ख्याल को मुरतब किया था Uh, मालिक राम ने ये अपने जहन में रखें कि मालिक राम ने मुरतब किया था यानी कि तरतीब दिया था इस किताब को तो नारंग ख्याल नरंग ख्याल क्या है ये भी जान लें कि नारंग ख्याल जो है आज़ाद के तमसली मजामी उन्होंने जो मजामी लिखे थे दरअसल वो मजामी तो नहीं थे वो तर्जमा हैं आज़ाद तर्जमा बोल सकते हैं बहरहाल तो तमसी मजामी उसका मजमु है इसमें कुल तेरह मजामी हैं इसका मजमु है नारंग ख्याल और इसी में से एक मजमून जो है आपके निसाब में शामिल है इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता इसके अलावा और भी कई तसानीफ हैं जिनमें सुखंदान फ़ारस नगारस्तान फारस, फारस कसिंद दरबार अकबरी ड्रामा अकबर और इनके खतूत का जो मजमू है मकातिब आज़ाद इनके नजम और शायरी का जो मजमू है नज्म आज़ाद ये अहम अहम तसानीफ हैं इनके और यही इनकी अदबी खदम हैं जिसकी वजह से उर्दू अदब में ये बहुत मशहूर मकबूल हैं और आला पाई के सर फहरस्त के अदीबों में शामिल हैं इसके अलावा ये सहाफ़ी भी थे चूँकि आपको मैं बता चुका हूँ कि वो आ, इनके वालिद ने जो अखबार निकाला उसमें ये भी काम करते थे और अंजुमन पंजाब में ये पेश पेश थे डॉक्टर लाइतेंस के मशवरे पर जो है आ, इसे अंजुन पंजाब का सेक्रट्री भी बनाया गया था चलिए ये आप समझ गए इसके बाद आप समझिए कि इनकी जो खिदमत थी उनके अतराफ़ में हुकूमत हिंद ने अठारह ईस्वी में इन्हें शमशुल उलमा का खिताब दिया था कब दिया था अठारह ईस्वी में उलमा का खिताब दिया था हुकूमत हिंद ने इसके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद को आकए उर्दू भी कहा जाता है ग्रुप में ये सवाल आप लोगों से पूछा गया था बहुत कम स्टूडेंट इस इसका जवाब दे पाए कि आकए उर्दू किसे कहा जाता है तो आकाए उर्दू जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को ही कहा जाता है शमशुल शमसलॉलमा का खिताब अठारह सौ सतासी ईस्वी में उसके अलावा आकए उर्दू का खिताब भी इन्हीं को मिला है उसके अलावा इन्हें उर्दू का पहला तारीख़ नवेस भी कहते हैं अदबी तारीख़ नवेस उर्दू का पहला अदबी तारीख़ नवेस मोहम्मद हुसैन आज़ाद को ही कहते हैं ये इनके अलकाब खिताबात हैं ये आप अपने जहन में ज़रूर रखें ये हम लोग देख चुके हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हवाले से पूरी हालात ज़िंदगी जो मुख्तसरन है और आपके इम्तहान में इसी से सवाल सवालात आएंगे इंशाल्लाह आप इसको अच्छे से समझ जाएं और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए ताकि आसानी से इसको ले पाए अब हम लोग आपके मतन के हवाले से देखते हैं जो इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता वो है उसके हवाले से देखते हैं कि उससे क्या क्या सवाल आ सकते हैं क्योंकि आपको मतन को पढ़ने की बेहद ज़रूरी है मतन को नहीं पढ़ेंगे तो फिर फंस जाएंगे तो मतन के हवाले से अगर हम लोग सवाल करें तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता में किस हकीम का ज़िक्र है तो आप सब जानते हैं कि किस हकीम का ज़िक्र है सुकरात सुकरात के कौल से ही ये इंशाया जो है शुरू होता है इसके अलावा आप ये ये अगला सवाल ये देखिए कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता किस किताब में शामिल है ये तो आपको बता दिए नंगे ख़याल में इंसान किसी हाल में ख़ुश नहीं रहता में वहम कौन है या वहम क्या है तो वहम जो है वो शैतान है जो आप देखें पूरी कहानी में तमाम लोगों को वहम में डालता है और वरगलाता है और उनको जो परेशानी नहीं है वो भी बोलता है कि वो परेशानी और लदवा करके फेंक देता है वो कहानी में आप देखें तो वहम जो है वो शैतान है उसकी वजह ख़त कैसी है आप उस कहानी में देख चुके हैं आप ज़रूर उसको पढ़ लें एक बार उसके बाद देखिए कि पीर मर्द ने दर्द कौलेंज के बदले कौन सी मुसीबत ली थी पीर मर्द वो आप देखें कि पीर मर्द ने दर्द कौलिनज के बदले जो है एक नौजवान लड़का को लेता है और वो नौजवान लड़का इतना शरीर होता है इतना बदमाश होता है कि वो आते ही जो है बूढ़े की दारी पकड़ के उसको उसके सरवे मारना शुरू कर देता है तो दर्द कौलिनज के बदले वो एक नौजवान लड़का लेता है ये ज़हन में रखें अच्छा सुल्तान और अफलाक के दरबार से कितने हुक्म जारी हुए थे ये आपको अपने जहन में रखने की बेहद ज़रूरी है तीन हुक्म जारी हुए थे पहला हुक्म पहला तो इश्तिहार था कि जितने जो भी लोग हैं वो अपनी मुसीबतों को जमा करने के लिए एक मैदान जो है तजवीज़ कर ले जहाँ पे वो अपनी मुसीबतों को ला कर रख सकते हैं हुक्म जारी होता है कि तमाम लोग अपनी अपनी मुसीबतों को लाएँ और एक जगह ला जमा कर दें सब आते हैं मुसीबतों को ला जमा कर देते हैं दूसरा हुक्म ये जारी होता है कि अब जो है जो मुसीबत फेंका है उसके बदले में एक मुसीबत जो उसको आसान लगता है वो ले ले ये दूसरा हुक्म था और लोग तबादला कर लेते हैं और जब तबादले के बाद सब आहुजार आहुजारी में मुबला हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं तो उसका फिर तीसरा हुक्म ये जारी होता है कि लोग जो है जो तबादला जो कि उस उस मुसीबत को फेंक दें और उसकी जो पुरानी मुसीबत थी वो उन्हें मिल जाएंगी तो ये तीसरा हुक्म होता है तो कुल तीन हुक्म जो है वहाँ से सुल्तान उलफा यानी कि अल्लाह ताली के दरबार से जारी होते हैं उसके बाद देखिए अगला सवाल ये आप अपने जहन में रखें कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता मैं फ़रिश्ते का क्या नाम है यानी कि जब वो तबादले के बाद जो एक और हुक्म आता है कि आप की पुरानी मुसीबत मिल जाएगी तो वहम जो है भाग जाता है और वहम की जगह पे जो है एक अल्लाह ताला एक फरिश्ता को नाजिल करता है जिसका नाम है सबर व तहमुल सब्र तहमुल ये फरिश्ता है जो लोगों को उनकी पुरानी मुसीबतों को लेने में आ, मदद करता है उसके बाद देखिए मुसनफ़ ने किस चीज़ से नजात हासिल की थी क्योंकि आप देखें उस कहानी में बहुत से लोगों ने बहुत सारी मुसीबतों से नजात हासिल की थी कोई अपने कुबड़ेपन से कोई अपने मोटे मोटे होंठ से कोई जो है दात गंदे दांत से उसके बाद कोई शर्मों हया से कोई झुर्रियों से बहुत सारी मुसीबतें थीं जिनसे तो मुसन्फ़ ने किस चीज़ से नजात हासिल की थी तो मुसन्फ़ ने अपने छोटे चेहरे से नजात हासिल की थी तो ये चंद सवाल थे जो आपके मतन से आ सकते हैं आप जो है आ, मैं ये भी दे दूंगा कि आप कौन कौन से लाइन को अंडरलाइन कर लें ताकि आप जब उस कहानी को पढ़ें तो वहाँ से जो मरूज़ी सवाल आ सकते हैं आपके इम्तिहान में उसे आप हल कर पाएँ तो नाजरीन उम्मीद है कि आप इस चैप्टर के हवाले से पूरी तरह से क्लियर हो गएंगे कहीं कोई पेचीदगी नहीं रह गई कहीं कोई परेशानी या कोई उलझन नहीं बचा होगा अगर कहीं कोई पेचीदगी या उलझन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इज़हार करें उस परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाएगी अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आपके निसाब में शामिल चौथे चैप्टर जो खाका है मोहम्मद अली का उस खाके की क़ीरत और जिसे बेहद अहम है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है उस उस क़िरत में आप ज़रूर शामिल रहें क्योंकि ये खाका बहुत पेचीदा है इसको समझना बिल्कुल आसान नहीं है इसलिए आप उसमें शामिल रहें और उसके बाद हम लोग फिर उसके तफसी सवाल और मरज सवालत को देखेंगे तो तब तक आप इजाज़त दीजिए अलैक्म